लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, दो सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में।
जाकर दूध पी लो। विद्या, 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 मोटर ऑफ करो। विद्या, मोटर बंद करो यार। तुमने दूध नहीं पिया ना? चलो पियो। हैंड्स अप। जाओ। ब्लैकी भाग गया। शाजी जाकर पकड़ो उसे। बगीचे में बहुत सारे कुत्ते होंगे। ब्लैकी। जल्दी जाकर पकड़ो उसे। ब्लैकी। 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 चल अंदर। डैडी उसे यहाँ लाकर बांध दिया, उसका यही स्थान है। स्थान नहीं, जगह कहो। आप क्यों ब्लैकी को अंदर बंद करके रख रहे हैं? उसे खोल दीजिए ना। अब क्या तुम भी उसके साथ भौं भौं करते हुए भोगते रहोगे क्या? इसे पकड़ने में मुझे बहुत मुश्किल होती है, पता है? उसे खुला क्यों नहीं छोड़ देते? अब कैसे समझाऊं तुम्हें? अरे अरे अरे, क्यों रो रहे हो यार? चलो इधर आओ। हिम्मत वाले बच्चे रोते नहीं है। तुम्हारे लिए ही तो डैडी नहीं है ब्लैकी लाया है ना। हम पालाकड़ जाकर एक फिल्म देखेंगे। हाँ, एसी में जगन्नाथ हाँ, की फिल्म। बहुत फाइट होती है। लेकिन जगन्नाथ मेरे जैसा नहीं है, वो तो बहुत मोटा है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुमसे गंदी महक आ रही है। तुम नहाए नहीं हो क्या? नहीं। क्यों नहीं? मैं आपसे नाराज हूँ। वो क्यों? पापा ब्लैकी को और मम्मी को नहलाते हैं, लेकिन मुझे नहीं नहलाते। ये बात तुम्हें किसने बताई? आप मम्मी से बात कर रहे थे तो सुना था। नहीं नहीं, बस करो, मेरा सर दर्द हो रहा है। अच्छा, ये घर डैडी का है या फिर दादाजी का है? डैडी का ही है। क्यों पूछ रहे हो? गेट पर तो लिखा है ना, शाहजी निवास। लेकिन मम्मी ने कहा कि ये दादाजी का घर है। संभाल कर ले जाओ। हाँ, तुम्हारे काम का क्या हुआ? जिसके लिए गए थे उस काम का दूसरों को लगा दिया है काम पे। तुम्हारी जरूरत मैं पूरी करता हूं ना, उससे ही तुम अपना काम चलाओ। आप डैशबोर्ड में पैसे रखना छोड़ दीजिए। तुम अपना कोई धंधा करना चाहते हो ना, उसी के लिए रखता हूं, और उसके लिए ये 5,000 काफी है। जाता हूं। आप नहीं मुड़ी तो मैं गोली मार दूंगा। ओ, मार दो। स्टॉप। अरे तुम बैठो ना। वो लेकर आए हैं, बहुत अच्छे हैं। 10 लेकर आए हैं।
पिताजी को बहुत पसंद है ना, खुश हो जाएंगे। तुम्हें क्या हुआ है, मूड ऑफ है क्या? डैडी की बातें भी ना। बेटा यहाँ आओ, ये लो और दादाजी को देकर आओ। दादाजी के पसंद का फल, दादाजी के पसंद का फल। मैं तो वो सब सहन कर रही हूँ और अपना वक्त बिता रही हूँ बस। पिताजी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, तुम्हारे जाते ही बहुत नाराज हो गए थे, और मेरे घर जाने की बात का क्या? मुझे भी घर जाना है, ऋषि कह रहा था कि पिताजी मुझसे मिलना चाहते हैं। दो दिन जाने दो प्लीज, कल ही मुझे छोड़ दो ना, मतबा चाचा आए थे। अरे कल तो 25 तारीख है ना, डैडी के चेकअप की डेट है। अगर मैं तुम्हें छोड़ने गया तो मुझे डैडी से डांट सुननी पड़ेगी। डांट सुन लो। मैं दो दिन के बाद छोड़ाऊंगा। तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, मेरे भाई से कहो ले जाने के लिए, कम से कम वो टाइम पर तो आ जाएगा। तुम्हें याद है हमारी शादी के वक्त भी तुम? वो तो मैं काम के लिए जगह देखने गया था, गाड़ी खराब हो गई थी। तुम अपने डैड से कहो कि मदन तुम्हें यहाँ के ले जाए। हाँ वो बात करने के लिए वीणा दीदी ने फोन किया था, बेंगलुरु में वीणू की एडमिशन की बात भी की है, पैसा रेडी करने के लिए कहा है। मैंने उन्हें बताया कि तुम बेंगलुरु गए थे और आने के बाद तुम्हें कॉल करेंगे। हमारे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा क्या? कुछ तो बोलो। हो जाएगा। कल हम निकल जाएंगे। एक दिन छोड़ दो। अभी रुके कोई फायदा नहीं, बारिश होगी तो तकलीफ होगी, कल ही चालू कर देंगे। कल तो बारिश नहीं होगी। कल हॉस्पिटल जाना है, याद है ना? मैं हूं ना, मैं लोगों को बुला लूंगा, उन्हें मजदूरी का काम सौंप देंगे, उनका आज दूसरी जगह काम खत्म हो जाएगा। तीन चार लोग काफी। हाँ ठीक है तो चलूं मैं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या हुआ है? भूत। भूत कहाँ? वो उस कुएं के पास था। कुएं के पास? अरे वो तो मणि भैया हैं, उन्होंने भूत का बीज बनाया हुआ है। बुरे बच्चों को पकड़ते हैं भूत सिर्फ। तुम बुरे बच्चे हो क्या? नहीं। तो डर क्यों रहे हो? राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि आने वाले फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में राज्य के खिलाड़ियों का भी प्रतिनिधित्व रहेगा, और इसीलिए टेनिस बोर्ड के पास खिलाड़ियों का नाम भेजने की अपील की है। सो गया? दो दिन से तुम ठीक से सोए नहीं हो, टेंशन में हो क्या? एक तो तुम मुझे कुछ बताते ही नहीं, कोई बात है तो मुझसे शेयर करो ना। देखो तुम्हारी कितनी अच्छी तस्वीर बनाई है इसने, बहुत प्यार करता है ये तुमसे। बेटा किसका है? शाजी मुझे घर छोड़ने के बारे में क्या सोचा है? मैंने बताया था ना कि पिताजी। क्यों मदन नहीं आ रहा है?
मैंने उससे बात की थी, लेकिन कल उसे दुकान में लोड उतारना है, इसलिए वो कल नहीं आ पाएगा। अभी सीजन है ना, इसलिए अगर तुम फ्री हो तो छोड़ देना। बारिश आने वाली है, कल बगीचे में काम करने के लिए लोग आएंगे। सिर्फ दो दिन की बात है, दो दिन में वापस आ जाऊंगी। आई नीड अ ब्रेक। सच कहूं तो कुछ दिनों से मैं बहुत डिस्टर्ब चल रही हूं, थोड़ा माहौल बदल जाएगा तो फ्रेश हो जाऊंगी। कल नौकरों को खाना खिलाना है, तुम बना कर जाओगी ना? हाँ मैं कर दूंगी, पिछले तीन दिनों से एडमिशन की ही बातों पर ध्यान दे रही हूँ। हम बेंगलुरु चले जाएंगे, मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी और हम अपने बेटे को अच्छी एजुकेशन देंगे। ए, अभी यहाँ से जाना अच्छी बात नहीं है। ऐसा क्यों? लोग मुझे क्या क्या सुनाएंगे, कहेंगे कि अपने डैडी को छोड़कर ये चला गया। शाजी, पिताजी समझ जाएंगे, वो इतने भी बुजुर्ग नहीं है और उनका कैरेक्टर कभी भी चेंज नहीं होगा। हमें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। वो तो किसी की बात नहीं सुनते हैं। तुम्हारे डैडी को यहाँ पर जगह खरीद कर दी, यही सबसे बड़ी समस्या है, और ये बाहर किसी को बता भी नहीं सकता। और तो और सब कुछ मेरे ही सर पे डाल दिया है। पिताजी से बात करेंगे तो वो यहाँ वहाँ की बातें करने लग जाएंगे, मार्केट की बात भी उन्हें बता नहीं सकते क्योंकि उसका भाव अभी कम होने के चांसेस हैं, तो हमारा ही नुकसान होगा ना। अब क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे बदल दिया है, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पूरा एक बार में मत खा लेना, दांत में कीड़े पड़ेंगे। ब्लैकी के दांत में भी कीड़े पड़ेंगे। अरे सुनो, इसको देना मत, इसका खाना दूसरा है। सुनो, आज चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है। हाँ, आज वो कोच्ची में अपने घर पे जाने की बात कर रही है, तो उसे जाकर बहुत दिन हो गए ना। मैंने ड्राइवर से बात कर ली है, वो आ जाएगा, वो आपको लेकर चला जाएगा। लेकिन नौकर लोग आएंगे तो यहाँ घर में कोई भी नहीं है। नहीं, मदन आएगा तो मैं उसे लेकर जाऊंगा। बैंक भी जाना है ना, पैसों की बात है। हाँ। अरे बेटा, अभी तक उठा नहीं क्या? नहीं, अभी टाइम है। अच्छा सुनो, हाँ? वो मुर्गा पकड़कर उसका सालन बना दो ना। सुनो, जरा प्याज काट के देना।
आज ही जाना है। सुनो शाजी, मैंने बहुत मुश्किल से ये डिसीजन लिया है, उस डिसीजन का सपोर्ट करो। आई नीड यू। मैं सपोर्ट तो करूंगा, लेकिन अकेले कैसे रहूंगा? मत जाओ ना। कितना अच्छा क्लाइमेट है ना, मैं ये सब बहुत मिस करूंगी। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। पिताजी ऐसे रहेंगे तो कैसे चलेगा? शाजी, कौन है वहां? हाँ, चल जा यहां से, अपने बाप के जैसा ही तू भी हो गया है। ठीक वैसे ही हरकतें करता है जैसा वो करता था। हाँ। 9 बज गए क्या? 9:10। अरे हाँ दीदी, अब आ गई।
थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। आप गाँव जाने वाली थी ना? 10:30 बजे चली जाऊंगी। उस खिड़की पर धूल जम गई है, उसे साफ कर दीजिएगा। हाँ। दीदी, ये मैं ले लूं क्या? दीदी बाहर नजर रखिएगा। विद्या, अरे क्या हुआ? पिताजी, डैडी, अरे आराम से, आराम से। ऐसा लगा जैसे उस तरफ कोई गया है। अरे ठीक से है। डैडी, वो ऐसे ही लग गया होगा। तू ज्यादा समझने लगा है। आराम से बेटा, दादा का चश्मा लेकर आओ जल्दी। वो नौकर लोग कहां से आए पता है? तिरुपति से एक आदमी आया था, वही इन लोगों को लेकर आया है। पैसे भी कम लेंगे। डैडी, चमालपुरम के बगीचे को हम बेचें क्या? उसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे। हमारी राजी भी यही चाहती है। उसे बेच दें, अच्छा पैसा मिलेगा। डैडी, डैडी, उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उन पैसों को उसके अकाउंट में डालना चाहते हो? क्या हुआ? अब ये सब साफ करने के लिए उसे बोलता क्यों नहीं? मेरा मुंह देख रहा है। जाने दो, शांत रहो। ये कैसे टूट गया? मणि, मणि, मणि। हाँ, क्या हुआ मालिक? रसोई में खपड़ा टूट गया है, उसे बदल देना। जो 10,000 दिए थे उसमें से बचे हैं? हाँ, बचा है मालिक। जा लेकर आ। हाँ। और हाँ सुन, हाँ?
यहाँ पर जाली भी लगा देना। सत्या, पांडे के दुकान से 3-4 खपरे लेकर के आ जा, सीढ़ी भी लेकर आना। मड़ी भाई, चाय पीकर जाना। बाद में पीता हूँ, अभी थोड़ा काम है। कोला बदलना है, अभी बारिश का मौसम तो है नहीं, जल्दबाजी क्यों करते हो? ठीक है, बाद में देखेंगे, अभी 10 बज गया। सुनो, आके चाय पी लो, बुलाओ सबको। आज चिकन करी नहीं बनाई क्या? नहीं। डैडी को पटाने का यही एक मौका है। अरे भाई, तुम्हारा गांव कौन सा है? तिरुपति। और आपका? हम दोनों कोयम्बतूर से हैं। भैया, ये पत्ता कहाँ फेंकना है? अरे भाई, उस तरफ फेंक दो ना। अरे सुनो, वो हाथ धो के खपरेल बदल देना। सुनो, अरे सुनो, अजीब है। छोटू कहाँ है? हाँ, वो बाहर है पिताजी, ब्लैकी के साथ खेल रहा है। जाओ बुलाओ उसे, ब्लैकी के साथ। हाँ, लगता है मैं सही समय पे आया। आ जाओ बैठो और खा लो। नहीं यार, मैं घर से खाकर आया हूँ। हाँ, चाय पी सकता हूँ। आज आपका चेकअप था ना? वो नौकर आने वाला था। वो तो आ गया, बाहर है। आ गया? अरे आ गया तो मुझे बताया क्यों नहीं? अरे ये ऐसा ही है। डैडी, वो रोबोस का काम कैसे करना है? रजीम ने मुझे सुबह फोन किया था, उसी के बारे में पूछताछ करनी। क्या पैसे? तुम पहले की तरह पैसे मांगने लगे? तो तुम अब भी पिताजी से पैसे लूटना चाहते हो? काम में टांग क्यों उड़ा रहे हो? चला, क्या है? तुम्हारे पैसे, आज नहीं तो कल तुम्हारे घर पे आके दे दूंगा, लेकिन तुम मेरे घर में आकर पैसे मत मांगना। डैडी के सामने तुम मैं 10 मिनट में आती हूँ। हाँ, आराम से आओ। सुनो, मेरी बात सुन रहे हो ना?
दे दूंगा यार। दीदी मम्मी को तंग मत करना, बिल्कुल हाँ। दीदी आप जाने से पहले बाहर जो काम कर रहे हैं उन्हें खाना खिला दीजिए। हाँ ठीक है मैम साहब। बगर अंकल देखो मेरा टॉम एंड जेरी वाला बैग। ठीक है हाँ। तुम स्मार्ट बन गए। चलते हैं भैया। चलो हाँ। बेटा टू 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 ब्लैक की हम लोग जा रहे हैं। ब्लैकी से कहो दो दिन में वापस आ जाएंगे। ब्लैकी हम लोग दो दिन में वापस आ जाएंगे। पीछे के टायर में हवा कम लग रही है। शाजी पीछे के टायर की हवा चेक करना। हाँ भैया आ रहा हूं। सुनो तुम्हारी गाड़ी की चाबी चाहिए, कल मुझे बाहर जाना है इसलिए। हाँ ये देखो तो तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं ना, कोई तकलीफ तो नहीं है? ऐसा लग रहा है तुम्हें अंदर ही अंदर डर लग रहा है। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आराम से जाके आना। वहां क्या कर रहा है, जल्दी दूसरे पेड़ पे चढ़। काम चोर कहीं का। आप आ गए क्या? हाँ आना पड़ा। अच्छा है? ये नौकर लोग कहाँ से आए हैं? ये लोग अरे मजदूर लोग हैं, ये यहीं आसपास के गांव में रहते हैं ये लोग। अरे इतने गंदे से रहते हैं कि चोरी लगते हैं दिखने में, चिंता मत कीजिए। काम अच्छा करते हैं ये, कोई गलत आदत नहीं है इनमें, ईमानदार होते हैं। काम शुरू करें क्या? हाँ शुरू कर दो, क्योंकि वैसे भी डैड ने तो बोला ही है। ठीक है बाद में देखता हूँ।
हेलो हाँ हेलो शाजी, क्या हुआ? हाँ वकील, मैं वापस आ गया। जिस काम से गए थे उसका क्या हुआ? वो तो नहीं हुआ। तुम जानते हो ना उसका अंजाम क्या होगा? तुमने हमसे पैसे लिए हैं, उसे वापस कर दो, नहीं तो हम क्या करेंगे? तुम जानते हो क्या है? तुम्हें क्या चाहिए? शाजी, 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 अरे जवाब दो, जवाब दो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, हमारे पैसे वापस कर दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, नहीं होगा। शाजी, लो। और चाहिए? हेलो हेलो शाजी, शाजी। वकील, बाद में फोन करता हूं। पागल, भाई और कुछ नहीं मिला? नहीं, बस यही मिला। ठीक है, मैं इसे बनाता हूं, तुम इसे गाड़ी में डाल दो, जाओ।
माँ। क्या हुआ, इमोशनल हो गया क्या? तो चिंता मत कर, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। बताना, बहुत सारे काम है। क्यों आया है जल्दी बता मुझे, क्यों नहीं बता रहा है? हाँ तू अबे सुअर, कहीं के पता क्या चाहता है? नहीं बताएगा तो यहीं पर सड़ना पड़ेगा, और जानवर की मौत मार दूंगा तुझे यहां पर। जल्दी बोल, नहीं तो बहुत पीटा जाएगा तू। किस इरादे से आया है यहां पर? अट्टापड़ी से काम पर बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है, इसे पहले कहीं देखा है मैंने? तुमने जो मारा था ना, वह उसका ही कुत्ता था, इसीलिए तुम उसे अपना कुत्ता दे दो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? उसको मारने से? हाँ। वो लोग कितने लोग थे? दो तीन लोग थे, वो लोग तुम्हारा ही नाम ले रहे हैं। ओ, वो सारा इल्जाम मुझ पर ही लगा देंगे क्या? दूसरों का नहीं, सिर्फ तुम्हारी गलती का, समझ गए ना? तुम्हारी गलती। तो ये सब तुम्हें मेरे बाप ने बताया है? यह जंगली सुअर है, सुबह सुबह मार कर लाया। भाई साहब, हमें भी देना। इसे बहुत मुश्किल से पकड़ा। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। तो फिर कैसा है, हमें समझाओ। सिर्फ ताकत और बंदूक की मदद से सुअर को पकड़ना बहुत मुश्किल है। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन यह माल एक नंबर का है। भाओ,
बहुत अच्छा कुत्ता है, लेकिन हाथ का पैसा भी गया। हम यहां काम करने आए हैं और इसने हमारा ही काम कर दिया। अब इस सुअर को कैसे मारें? शाजी, चुपचाप पैसे वापस कर दो। अगर पैसे वापस नहीं करोगे तो हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे ये तुम सोच भी नहीं सकते। अकेले ही तो करूंगा, जानते हो ना, मैं भी पहले गुंडागर्दी में ही तो था। इससे डील कर लूंगा। कोई समस्या तो नहीं होगी? अरे कोई समस्या नहीं होगी, मैंने उसे पकड़कर कमरे में बंद करके ताला मार दिया। ऊपर चढ़ना है, जल्दी चढ़ना है, जोर लगाना है। वहाँ क्या कर रहे हो? अरे जल्दी काम खत्म करना है, नाश्ता करने के बाद कोई काम नहीं किया, क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे पहले जल्दी से काम खत्म करने पे ध्यान दे, चल जाए यहाँ से। हसन, काम नहीं करेगा तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, चल चढ़ जा अभी। 5-6 पेड़ चढ़ना बाकी है, पता नहीं क्या कर रहा है। ए, चढ़ जाना जल्दी। मणि भाई, खाना खाने आ जाओ। सत्या, है? क्या हुआ? मेरी घड़ी देखी क्या? नहीं, मैंने नहीं देखी। हैं? अभी 1:30 बज रहा भाई। आजा आजा, आके खाना खा ले, 3-4 बजे चाय मिलेगी पीने को। अरे आना भाई, उसे भी बुला ले, सुनाई नहीं दे रहा है, आके खाना खा ले, 1:30 बज गए। कोई यहां से भागा है। कौन है? पता नहीं, उस समय मुझे ऐसा लगा। ठीक है बेटा, मैं चलती हूं। हाँ।
सत्या, तुम्हारे दादा दादी की जमीन थी ये, सब कब्जा कर लिया इन लोगों ने और उसी के चलते हमारी यह हालत हो गई। अब जो बचा कर रखा है वो बस पिताजी का घर ही है, अब वही है हमारा सिर्फ। हाँ। ये आप क्या कह रहे हो? बहुत पहले की बात है, ये सब जो देख रहे हो ये सब अपना ही था। बहुत पहले का मतलब? खाओ खाओ खाओ, तुम खाओ खाओ खाओ। जानवर लोगों ने सब कुछ हमसे छीन लिया, भाई साहब शुरू करें क्या? हाँ ठीक है, चलो करते हैं। हाँ तो शुरू करें क्या? अरे अरे, इस कुत्ते को बांध कर क्यों रखा है? खोल दीजिए ना, घूमने दीजिए। नहीं, वैसे किस जाति का है ये? कानी कोसो। हाँ क्या? कानी कोसो। तो क्या इस दुनिया में हम जो विश्वास भूल गए हैं वो अब सिर्फ इन कुत्तों में ही रह गया है? बांध कर क्यों रखा है? छोड़ दीजिए ना इसे, देसी कुत्ता है, कहीं नहीं जाएगा। ये देसी कुत्ता नहीं है, विदेशी है। ओ रिच ब्रीड है, इसे नहीं छोड़ सकता। ठीक है, मैं चलता हूँ। आप जाके खाना खा लो। हम लोग पहले ही खा चुके हैं। सब लोगों ने खा लिया क्या? हाँ सब लोग। एक छोटी सी समस्या है, आप चाबी लेके चलो, मैं बताता हूँ। ओ सत्या। हाँ तुम इस पेड़ पे काम करो, मेरा कुछ काम है, खत्म करके आता हूँ। ठीक है। हाँ अरे नीचे उतरो, नीचे उतरो, अरे कुछ काम है, आओ आओ नीचे।
मालिक ये तो कमाल हो गया। फिलहाल 8 गुनी माल निकालना है। हाँ। जल्दी काम खत्म कर, नहीं तो मार खाएगा चोर कहीं का। बहुत काम है अभी, लेकिन इसे देखो अपने ही काम में लगा हुआ है, जैसे कोई चिंता ही नहीं है। हर आदमी अलग अलग टाइप के होते हैं। अच्छा हुआ मेरी घड़ी मिल गई है। चल पकड़ इसे। अब क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है, पापी पेट का सवाल है भाई। चल जल्दी कर, जल्दी कर। क्या धीरे धीरे कर रहा है, सब गाड़ी पे डालना है अभी। अबे जल्दी कर। देख भाई, मैंने जानबूझकर तो नहीं किया, तेरा कुत्ता तो चला गया। देख तेरे भावनाओं को मैं समझता हूं, तुझे एक नया कुत्ता दिलवा दूंगा। मैं तुम्हारे कुत्ते को मार डालूंगा। देख मैं तुझे बहुत अच्छा कुत्ता दिलवा दूंगा, डॉबर मैंने एल्सेशन, कोई भी कुत्ता, उसको देख के तुझे भी अच्छा लगेगा। अरे मुझे समझने की कोशिश कर, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। मेरा काम खत्म होते ही तुम्हारे कुत्ते को मार डालूंगा मैं। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। सत्या, 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 क्या हुआ सत्या? सत्या, देख जल्दी, अरे देख जल्दी सत्या को क्या हुआ? सत्या, अरे सत्या, 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 मालिक, सत्या उठ, मालिक गाड़ी निकालिए, हॉस्पिटल लेकर जाना है, जल्दी। मालिक इसे बचाना बहुत जरूरी है। नहीं भाई, वो बाकी के बचे हुए माल को छोड़कर इसे हॉस्पिटल लेकर जाना, मतलब ये माल यहाँ रहेगा तो अच्छा नहीं है, मेरे डैड को पता चलेगा तो क्या होगा। अरे कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हैं आप, किसी की जान जा रही है आप ऐसा सोच रहे हैं? अरे किसी की जान ज्यादा प्यारी है। देखिए मालिक, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। चाबी दीजिए, आराम से, आराम से, आराम से, चलो 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 आराम से। इसकी तो अरे कुछ नहीं होगा, आराम से, चलो 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 जल्दी। अरे कुछ नहीं होगा इसे, चलो चलो। रुको, अब चले गया भाई। रुका, क्या हुआ? रुका रुका, क्या हुआ बोलोगे? मैं देखता हूँ। अरे भाई साहब, बस 10-15 मिनट की बात है यार, उससे पहले ये मर जाएगा। चलो, किसी काम के नहीं हो तुम, हटो यहाँ से। हे, सारा माल एक जगह पे जमा करो, चलो गाड़ी निकालो। मालिक इससे सारा काम करा लेना।
मैं तुझे अच्छे से समझा रहा हूँ लेकिन तू समझ नहीं रहा है ना। तुझसे बोला ना अच्छा कुत्ता लाकर दूंगा तो मेरे कुत्ते के पीछे क्यों पड़ा है? अभी के अभी यहाँ से निकल जा, गाड़ी का भाड़ा तुझे। मुझसे पंगा लिया ना अब तू गया काम से। मैंने तुझे पहले ही समझाया था, तूने कुत्ते के लिए मुझे मारने की कोशिश की, अब तू गया काम से। तू कब जाएगा अब इसका फैसला मैं करूंगा। क्या हुआ, वापस क्यों आ गए आप लोग?
डैडी, क्या समस्या है? कुछ भी तो नहीं, ये क्या हो गया? नहीं वो कुछ नहीं, बगीचे में लकड़ियां काट रहा था, मैं दवाई लगा लूंगा। जल्दी दवा लगा लो। नहीं मैं लगा लूंगा, तुम जाओ। क्या हुआ? अरे जाते हुए रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से ये डर गई थी, फिर भी हम थोड़ा आगे तक गए थे घूमने के लिए, लेकिन इसका मन नहीं हुआ इसलिए वापस आ गए। ये क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, बगीचे में लकड़ी काटते वक्त मार लग गई। कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, वो बगीचे में सूअर आया था ना, उसे मार के भगा दिया। तो अरे मेरी गाड़ी कहाँ है? वो मणि लेकर गया है। कोई बात नहीं, तुम मेरी गाड़ी लेकर जाओ, तुम्हारी गाड़ी आती है मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। तो मेरा कैश कब तक देने वाले हो? अरे दे दूंगा ना, जाओ। बिना बोले काम नहीं करने वाले हो तुम? ये जो समस्या है ना वो तुमने खुद ही बनाई है। मैंने कहा था ना सावधान रहना, इस खून में एक अलग ही महक है शाजी। तुम्हें बहुत डर लग रहा है क्या? मुझे एक हक दो ना। क्या हुआ, रोड पे एक्सीडेंट देख लिया क्या? वो मेरे दिमाग में बैठ गया है। हमारी गाड़ी का टायर स्किट हो गया था और छोटा सा बच्चा रोड में ब्लड जमा हो गया, तब मैं अपने बच्चे को देखकर डर गई। वो गाड़ी वाला उस बच्चे को टक्कर मारकर वहां से चला गया। जाओ जाके आराम कर लो। तुम इसे लेकर जाओ, मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ। तुझे ये फिल्म तो बहुत पसंद आएगी लगता है। सुनो, ये रस्सी डाल रहा हूं, इसे पकड़ के ऊपर आ जाना। अरे सुनो, मेरी बात सुनाई दे रही है क्या?
तुझे बचाना चाहता था लेकिन मुझसे ही पंगा लिया तूने। मैं तुझे मारना नहीं चाहता था, तो तुम मुझे मारेगा क्या? Yeah.
कुत्ता वापस कैसे हो सकता है? Thank you.
आ गए, कहाँ चले गए थे? मैं बगीचे में था। बगीचे में? पैरों में प्लास्टर है, बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ? हाँ, मैंने मणि को हॉस्पिटल में देखा था, उस नौकर को क्या हुआ? मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? डैडी, हमारे शर्ट में जो काली मिर्ची थी वो नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है? अरे कहाँ गई वो? काम पर जो लोग आए थे ना, उन्हीं में से किसी ने छुपाई होगी। मुझे एक पर शक हुआ तो मैंने एक नौकर को बहुत मारा डैड। अरे बताओ आखिर गई कहाँ वो? मैंने देखी थी लेकिन अभी कहाँ गई पता नहीं है। जब वो गायब हुआ तो तुम कहाँ थे? वो क्या है कि मेरी पत्नी वापस आ गई है, रास्ते में वो एक्सीडेंट भी हुआ था। वो आ गई तो तुम उसके पीछे लग गए और मेरी सारी काली मिर्च गायब हो गई। हाँ नहीं, वो बात नहीं है डैड। आखिर तुम समझते क्या हो? काली मिर्च पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए था, 2-2.5 लाख का माल था, तुमने उस पर नजर क्यों नहीं रखी बताओ? अरे डैडी आराम से, चलो हटाओ, जाओ जाकर ढूंढो काली मिर्च कहाँ है, जाओ। तुम जाओ यहां से, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप चिंता मत करो, मैं पिताजी को कुछ नहीं बताऊंगा। जाते समय गेट बंद कर देना। मणि भाई उन लोगों के साथ मिला हुआ है ऐसा मेरा शक है। या फिर यहां पर जो नौकर लोग आए थे उन्हीं में से कोई हो। तुम्हारे बाप ने बहुत मेहनत से यह जगह बनाई है, यह बात तुम समझ लो। मुझे किसी भी तरह अपनी सारी काली मिर्च चाहिए, तुम्हें किसी भी तरह उसे वापस लाना होगा। वो तुम्हारी गलती के कारण गायब हुई और अब उसे लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। Ugh!
Ah!
शाजी, क्या हो रहा है वहां पर? शाजी, ए, क्या कर रहे हो तुम? क्यों मार रहे हो उसे? शाजी, शाजी, क्या चल रहा है ये? हमारे गोदाम में काले मिर्च चुराने वाला यही है डर। इसे नहीं छोड़ूंगा। शाजी मत करो ये सब। शाजी। हे शाजी, कौन है वो? हाँ? क्या बात क्या है शाजी? क्या हुआ है बताओ तो सही। मैं पूछ रहा हूँ कौन है वो? अरे ये कुछ बता क्यों नहीं रहा? बताओ शाजी कौन है वो? हमारे काले मिर्च चुराने वाला ये क्या? अरे अगर वो ले जा रहा है तो ले जाने दो। मैंने कहा था मदन को साथ में रखो। चलो पुलिस को बुलाते हैं, आ जाओ। किसी को नहीं बुलाना है। शाजी तुम ब्लैकी को खोल दो, वो सब संभाल लेगा। ए! क्या तू मेरे कुत्ते को मारने आया ना? वो अंदर बंदा है, जा उसे लेके जा।
शाजी, शाजी नहीं, शाजी, मत मारो उसे, शाजी, नहीं, अरे वो मर जाएगा, शाजी क्या कर रहे हो, रुक जाओ, मर जाएगा वो, शाजी, मेरी बात मानो, छोड़ दो उसे, शाजी, छोड़ दो उसे मेरी बात मानो नहीं पिताजी मत मारो उसे शाजी 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 पिताजी क्या हुआ शाजी अरे बस करो यहां से हटो जो भी करना है उसके साथ करो चला Denied in my heart
बेटी जाओ जाकर उसे संभालो, जाओ देखो। मैं देखती हूँ। Yeah.